तो गाइस आपका भाई इलाइट 64 एक न्यू वीडियो में आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने नीड फॉर स्पीड द रन की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो कि हमने पहले बहुत पहले छोड़ दी थी। तो गाइस हम जीटी सैन एंड्रियास भी लाएंगे, पर वीक में देखो ऐसा होगा कि 3 वीडियोज आएंगी जिसमें से 2 रहेंगी हमारी द रन की और एक जीटी सैन एंड्रियास की। तो आपने पिछली वीडियो तो देख ली होगी, तो अब न्यू वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेज अपना कवर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं एकदम रेडी हूँ, बस एक क्लिक करने की देर है हमारा स्टेज लोड होने लग जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं गेम, और मैंने स्टार्ट कर दिया है, लोड होएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पर गाइस देखो आपने जैसे पिछली वीडियो में देख लिया होगा मैं 200 पोजीशन में था या उससे थोड़ा पीछे था, 205 पे था, तो 10 लोगों को पीछे करके मैं 195 पे हो चुका हूँ। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल, उसमें शायद 12 किलोमीटर दिखा रहा है और स्टार्ट हो चुका है हमारी रेस, मतलब स्टार्ट हो चुकी है। गाइस ये शायद चेक पॉइंट्स, अच्छा चेक पॉइंट्स रीच है, हमें शायद अलॉटेड टाइम में चेक पॉइंट्स पे पहुंचने हैं और 11.6 किलोमीटर हैं अभी तो स्टार्टिंग। तो देखते हैं कि मैं पूरा करता हूँ इसे वन ही चांस में कि ऐसे, तो गाइस इसमें चांस हैं अगर मैं कहीं पे इतनी हाई स्पीड में ठुक जाता हूँ या कार क्रैश होगी तो मैं रिवाइव तो हो ही जाऊँगा, इतना तो मुझे पता है। और गाइस इसमें ऐसा है कि मतलब जैसे मैं टाइम पर पहुँच गया तो जो टाइम होगा बचा हुआ वो ऐड हो जाता है पिछले टाइम के साथ। जैसे कि अभी आप देखो 20 सेकंड से एक्स्ट्रा वो मतलब जो भी टाइम है उसमें ऐड हो जाएगा। अभी तो मैं वहाँ कार पे ठुक गया था, पर कोई नहीं अभी तो सही चल रही है कार, आप सही से चलाऊँगा। वहाँ मैं पीछे बताने के चक्कर में थोड़ा वो हो गया डिस्ट्रैक्ट, कोई नहीं। ये देखो एक तो ये पागल लोग ऐसे बीच में आ रहे हैं मेरे, ऊपर से यहाँ टाइम कम बचा है वो अलग। ये हाईवे गाइस जहाँ लोग कभी भी कहीं भी मुड़ रहे हैं इसलिए पता भी नहीं चल रहा कार इधर उधर लग रही है। काफ़ी जल्दी पहुँच गया उस हिसाब से मैं, अभी तक तो रेस काफ़ी अच्छी चल रही है। देखो NFS में सबसे मतलब खेलने का फील तो NFS में, अगर आप कार गेम्स खेलना चाहते हो तो NFS में खेलो, इतना मस्त गेम है, मतलब ग्राफिक्स समझो और फिर इतना मस्त हैंडलिंग है कार्स की। कार भी आपको इसमें एक से एक देखने के लिए मिल जाएंगी, एक से एक क्या सुपर कार्स हैं इसमें, बेस्ट लैम्बो बुगाटी और बहुत सारी कार्स हैं। वो कार है इतना ईजीली भी नहीं है यहाँ मिलना, क्योंकि ब्लॉक कार्स हैं उनके लिए आपको बहुत सारे ट्रैक्स पूरे करने पड़ेंगे, कई बार आपको एक गेम भी पूरा करना पड़ेगा। मैंने तो काफ़ी टाइम ये पूरा कर रखा है इसलिए काफ़ी कारें खुली हुई हैं मेरे लिए, जो नॉर्मल जो फर्स्ट टाइम यूज़ करेगा उनके लिए तो नहीं होंगी जहाँ तक मुझे पता है। तो ये देखो हमारा ये शायद थर्ड लैब था, थर्ड लैब भी पूरा हो चुका है, दो और लैब बचे हैं, देखते हैं। इसमें 1:33 घंटे हुए थे मेरे को, अब तो मैं पूरे फ्लो में आ चुका हूँ गाइस। तो देखो अब चल रहा हूँ, पर ये फिर भी हाईवे, ये देखो मेरे को फ्लो तोड़ दिया इन बेवकूफ़ों ने। चल रहा हूँ अभी तो मैं फुल स्पीड में, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और स्पीड अभी भी 280 तक तो है ही मेरी स्पीड, उससे आगे जा रही है पर उससे पीछे जा रही। तो यहाँ कंट्रोल गाइस मैंने काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट करा आप लोगों के, फिर से मैंने सोचा GTA San Andreas चल ही रहा है अपना, साइड बाय साइड अपनी जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसे आधा क्यों ही छोड़ना, उसे भी पूरा करते हैं। तो गाइस अभी तो देखो काफ़ी स्पीड से हम वो दिखने लग गए मेरे को, लास्ट एंडिंग लाइन हमारी। गाइस वो देखो मैंने उस गाड़ी को कहाँ चढ़ा दिया, वो खुद ही चढ़ी गाइस, उसमें मेरी गलती नहीं है। हो गया कंप्लीट गाइस, 1 मिनट में हमने इसे कंप्लीट कर दिया, जब लास्ट 1 मिनट रह रखा था, और कंप्लीट हो चुका है हमारी 195 पोजीशन है। ये पोजीशन के लिए मैच नहीं था, पर फिर भी जो भी था हमने इसे कंप्लीट कर लिया जैसे कि आपने देख लिया, और XP भी मिल गई हमें। तो अब मिलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा दूसरे स्टेज के साथ।